मॉर्निंग डियर मॉडल स्टार्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन। पे अटेंशन हियर, योर SST टीचर श्वेता तिवारी। सो स्टूडेंट, टेक योर SST बुक एंड ओपन चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज़ अ गुड सिटीजन। सो स्टूडेंट, टुडे यू विल ओपन पेज नंबर 29 ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज टुडे आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट टॉपिक, रेस्ट पॉइंट, रेस्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड अबाउट अ गुड सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अ गुड सिटीजन एंड गुड नेबर, इलेक्शन, सिविक्स, ओके, वाई लास्ट वीडियो, ओके, इट मीन गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक के अच्छे नागरिक, मतलब एक अच्छा नागरिक कौन होता है, एंड फंडामेंटल राइट्स, इट मीन्स मौलिक अधिकार, जो उसके मेन जो है मूलभूत मौलिक जो है मौलिक जो अधिकार होते हैं, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है जितने भी इंडियंस हैं और जितने भी सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स, इट मीन्स मौलिक अधिकार, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओके, राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हमारे नेशन के प्रति, हमारे कंट्री मैन के प्रति, ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट मीन्स मौलिक कर्तव्य के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। एंड नेक्स्ट कि गुड सिटीजन एंड गुड नेवर, ये बनना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ओके, एंड इलेक्शंस आल्सो, बिकॉज आवर कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा जो देश है, ओके, वो कैसा है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहाँ पर इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं, ओके, एंड सिविक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविक्स, तो सिविक्स क्या है, द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, ओके, ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन के राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं, इनके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल इन सिविक्स, सिविक्स के थ्रू ही हम इसको पढ़ते हैं। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन द पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 29। सो स्टार्ट, फर्स्टली आई विल टेल यू, आई विल टीच यू व्हाट डू यू मीन बाई सिविक्स। सिविक, द वर्ड सिविक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिविस। सिविस मीन्स ऑफ अट सिटीजन, ओके, सिविक जो है वो लैटिन वर्ड सिविस से बना है, जिसका मीन्स होता है ऑफ अ सिटीजन। इट इज़ ऑल्सो अ रूट वर्ड फॉर सिटी, यानी कि ये जो है अ रूट वर्ड है किसका, सिटी का। सो सिविक कैन ऑल्सो मीन एनी थिंग रिलेटेड टू अ सिटी, सिविलाइजेशन से रिलेटेड, और सिटी कैसे, अर्बनाइजेशन कैसे, सिटी जो है कहा जाता है कि जितने भी सिविलाइजेशन है वो रिलेटेड है, जैसे बेटा बहुत सारे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन इस तरह, उनको क्यों सिविलाइजेशन, क्योंकि वो हर चीज़ वहाँ पर वेल मैनर्ड के साथ थी, ओके। नेक्स्ट, सिविक सेंस इज़ द वे वी हैव इन पब्लिक एंड कॉन्सियस टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ओके। सिविक सेंस इज़ द वे, मतलब एक वे है, एक तरीका है इसका, वी हैव इन पब्लिक, कि हमारा जो बिहेव, हमारा व्यवहार पब्लिक के बीच में कैसा है, और सोसाइटी की जो भी आवश्यकताएं हम उनके प्रति कितना कॉन्सियस हैं, ओके। इट इज़ एन अनस्पोकन वे टू रन द सोसाइटी स्मूथली, इट मीन्स सिविक एक ऐसा मेथड है, ऐसा वे है जो अनस्पोकन, मतलब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सोसाइटी के जितने भी वर्क हैं, इट मीन्स उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको रन स्मूथली रन कराने में हेल्प करता है। Just as we learn other lessons of life from our adults, we need to learn civic sense also. Okay? It means, जो भी हम सीखते हैं, whatever we learn from our adults, our parents, okay? We need to learn civic sense also. यानी कि जो भी हम सीखते हैं उनमें से हमें civic lesson भी हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू इनकैलकुलेट, वी नीड टू इनकल्केट
सिविक सेंस इन अवर जनरल बिहेवियर, यानी कि हमारा जो सामान्य जो व्यवहार है उसमें सिविक का झलकना, सेंस उसका मिलना चाहिए। इट मीन्स आपके अंदर नागरिकता, सिविक सभ्यता जो है वो होनी चाहिए। लैक ऑफ सिविक सेंस कैन प्रूव वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। अगर आपके यहाँ सिविक की कमी है, इट मीन्स एक जेंटल जो है जेंटल सेंस की कमी है, एक सज्जनता की आपके अंदर कमी है, तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। लेट अस डेवलप आवर सिविक सेंस वाई डूइंग द फॉलोइंग वर्क। इट मीन्स हम अपने सिविक सेंस को कैसे जो है शो कर सकते हैं। दिस इज़ पिक्चर ऑफ कीपिंग योर सिटी क्लीन। सबसे पहले सफाई जो है ना, क्लीनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन एंड फॉर एवरी प्लेस। ओके, अगर आपके चारों तरफ साफ सफाई होती है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड तक जाता है, हमारे फिजिक तक जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, कीपिंग रोड्स, पार्क एंड अदर पब्लिक प्लेसेस नीट एंड क्लीन। फर्स्टली, सिविक सेंस को शो करने के लिए सबसे पहला जो वर्क है वो क्या है कि जो भी रोड है, पार्क है, अदर पब्लिक प्लेसेस हैं, वो क्लीन, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। इट्स का मीन्स ये नहीं है कि आप हर कोई जाकर के स्वीपिंग करने लगेगा। इट मीन्स आपको वो साफ सफाई रखने में आपको हेल्प करनी है, ठीक है। इट मीन्स डोंट थ्रो वेस्टेज हेयर एंड देयर इन पब्लिक प्लेस। ओके, रोड है तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप डस्टबिन में डालिए, डस्टबिन यूज़ करिए, यूज़ डस्टबिन। ओके, और जो भी वेस्टेज है, वेस्टेज मटेरियल है या जो भी है, उसको ये नहीं कि आप कहीं भी फेंक दें। ओके, नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग फेलो सिटीजन्स, लेडीज़ एंड एल्डर्स। इट मीन्स जो भी आपसे बड़े हैं, महिलाएं हैं, एंड जो आप फेलो सिटीज़न हैं, आपके साथी हैं, उनको रिस्पेक्ट करो। नेक्स्ट, वेटिंग इन आ क्यू, वेटिंग आ, ओके, इट मीन्स पंक्ति में खड़े रहने। इट मीन्स आप लाइन टू लाइन जो है, सीरियल वाइज सीरियल खड़ी, पंक्ति में खड़े हुए, वेटिंग इन अ क्यू, क्यू, ओके, यानी कि पंक्ति में आपको क्या करना है, वेट करना है। ओके, जैसे कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं या कोई भी वर्क है। नेक्स्ट, वाई बींग कंसिडरेट, पोलाइट एंड कोर्टियस। ओके, ओके, वाई बींग कंसिडरेट मीन्स आपको, आप कंसिडरेट, विचारशील, ओके, कंसिडरेट बन करके, पोलाइट, विनम्र बन करके, और ओके, विनम्रता का मतलब, यानी कि विनम्रता आपको शो करना है। ओके, कोर्टियस, पोलाइट, ओके, एंड कंसिडरेट। नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग आवर रिसोर्सेज एंड यूजिंग दैम सेंसिबली। ओके, नेक्स्ट थिंग, वी शुड प्रिजर्व कंजर्व आवर रिसोर्सेज। ओके, जो भी हमारी नीडफुल थिंग्स हैं उनको हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, यूजिंग दैम सेंसिबली, एंड अकॉर्डिंग टू नीड वी विल यूज द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ नीड, नीड के अकॉर्डिंग, मतलब यूजलेस हमें यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। इट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, यूज़ अगेन एंड अगेन। ओके, ओके, वन मिनट, टेकिंग केयर ऑफ आवर फ्लोरा एंड फना। ओके, जो फ्लोरा और फना, जो हमारी वनस्पति है, उनका हमें क्या करना है, उसकी, उनकी केयर करना है। ओके, जो भी फ्लोरा एंड फना है, फ्लोरा एंड फना, वनस्पति एंड जीव, इनकी, इनको हमें क्या करना है, इनको टेक केयर करना है। इट मीन्स हमें इनकी सुरक्षा करनी है। डिसरिगार्ड फॉर लॉ इज प्राइमरी कॉज फॉर पुअर सिविक सेंस इन आवर कंट्री। ओके, डिसरिगार्ड, इट मीन्स डिसरिस्पेक्ट, यानी कि आपको अपने जो भी आपका देश है, जो भी आपका लॉ है, अगर आप उसका सम्मान नहीं करते हैं, ओके, इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर लॉ प्रोवाइडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट, ओके, इट मीन्स कॉजेज फॉर पुअर सिविक सेंस इन आवर कंट्री। वो हमारे देश के लिए वो कारण है, रीज़न,
reasons are for poor civic sense in our country. तो इसलिए हमें क्या करना है, respect our law. ओके, जो हमारे primarily law हैं, जो भी है, तो disregard for the law, यानी कि हमें disregard नहीं करना है, हमें क्या करना है, respect करना, regard करना है. ओके, किसका law का, जो कि प्राइमरी कॉज होगा किसका, पुअर सिविक का नहीं, गुड सिविक सेंस का ऑफ आवर कंट्री. अगर हम सम्मान करेंगे, हम फॉलो करेंगे लॉ को, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, वी नीड टू ज्वाइन हैंड्स टू इम्प्रूव सिविक सेंस ऑफ आवर कंट्री मैन. ओके, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, वी हैव नीड टू इम्प्रूव सिविक सेंस ऑफ आवर कंट्री. ओके, हमें we should need to join hands to improve civic sense of our country. हमें अपने देश का जो हमारे countrymen हैं उनका civic sense improve करना चाहिए. okay, और सारे लोग को जो है, जो भी law है हमारे constitution के, उनको like आपके जो भी fundamental duties हैं. okay, so students, ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सो लेट्स रिकैप. ओके, यू विल रीड आउट. ओके, यहाँ पर शॉर्टली सारे पॉइंट्स दिए गए हैं. ओके, कि व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन. सिटीजन इज़ अ पर्सन हु इज़ अ लीगल मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री. ओके, द पोजिशन और स्टेटस बीइंग सिटीजन of a particular country is called citizenship. उसको citizenship कहते हैं. A good citizen contributes to the community and helps betterment of the fellow citizens. यानी कि एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य है कि जो fellow citizen हैं उनका betterment के लिए उनकी help करनी चाहिए. The constitution of India has provided some basic rights its citizens. कुछ basic rights दिए गए हैं, कुछ मूलभूत कर्तव्य and अधिकार दिए गए हैं, मौलिक, जिनको मौलिक अधिकार एंड मौलिक कर्तव्य, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई हैं. ओके, सो बेसिक राइट हैं, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. सिटीजन्स हैव सर्टेन ड्यूटीज़ टुवर्ड्स देयर नेशन एंड कंट्रीमैन, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन. सिविक सेंस इज़ द वे वी हैव इन पब्लिक एंड कॉन्शियस ऑफ नीड्स ऑफ द सोसाइटी. ओके, यानी कि सिविक सेंस जो एक अच्छा, एक गुड मेथड है जिसके थ्रू जो है सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनके प्रति हम जो है कॉन्शियस रह सकते हैं, एंड प्लस जो है पब्लिक के साथ हमारा अच्छा बिहेव रहना चाहिए. ओके, और जो कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड करने के लिए, डेवलप बनाने के लिए, उसको और उसका विकास करने के लिए बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट यू विल राइट, यू विल कम्प्लीट ट्रू फॉल्स. ओके, जो टू ट्रू फॉल्स बचे हुए थे ना लास्ट डे. वन, इन इंडिया वी हैव इलेक्शंस ओनली फॉर द स्टेट. नो, सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, कंट्री, एक आपका सेंट्रल लेवल का इलेक्शन होता है. ओके, और आपका स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है. तो दो तरह के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए. सो दिस इज फॉल्स, यू विल राइट एफ. एंड नेक्स्ट, सिविक सेंस इज द वे वी हैव इन पब्लिक. ओके, एक तरीका है कि हम पब्लिक के बीच में कैसा बिहेव करते हैं. ओके, सो दिस इज ट्रू. एंड नेक्स्ट, टेक योर SST कॉपी एंड नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. ओके, वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन. गुड सिटीजन की क्वालिटी क्या क्या होती हैं. सो यू विल राइट नंबर 1, रिस्पेक्ट अदर्स. नंबर 2, is helpful and considerate. Number 3, thinks before speaking. Number 3, thinks before speaking, यानी कि बोलने से पहले सोचो. आपको helpful रहना चाहिए, विचारशील रहना चाहिए, respect एक दूसरे की करना चाहिए. Next, work hard, कठिन परिश्रम करो. 5th, is well behaved, और आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए. Next, is willing to learn, take care of public property. Public property की सुरक्षा करने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए. Next, respect the environment, और आपको अपना जो environment है, वातावरण, उसकी भी respect करना चाहिए. So this is answer number 1. Okay?
Good. Next question, question number 2. A list. अब आपके now you haven't 7 fundamental rights, you have 6 fundamental rights, okay? And last जो भी amendment हुआ है उसमें से आपका जो right to property एक fundamental right था उसको remove कर दिया गया है. Okay, so here you will write 6. आपकी question में 7 ही लिखे थे इसीलिए मैंने type कर दिया. Okay, so you will write 6 unless the 6 fundamental rights enjoyed by all citizens. Okay, so first right to equality, it means समानता का अधिकार. Next right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार. Okay, right against exploitation, it means जो exploitation होता है, किसी का शोषण होता है उसके against जो है एक्शन लेने का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो करने का राइट. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ओके, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार, ओके, संवैधानिक तरीके से. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर 6 फंडामेंटल राइट्स. ओके, यू विल राइट आंसर नंबर 2. Okay, students, so it's enough for today class. Have a nice day and take care of yourself. Bye-bye.